इंटीग्रेशन के बहुत सारे मेथड में से एक सबसे ज्यादा प्रचलित प्रसिद्ध सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये लगता कहां है? इस फॉर्म पे लगता है। अगर कोई फंक्शन रहे और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव रहे तब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है। अब इसमें फंक्शन और डेरिवेटिव आपको पहचानना होता है, उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। इस फंक्शन का नाम मैं पापा बोल देता हूं और ये डेरिवेटिव का नाम मैं बेटी बोल देता हूं। पापा और बेटी, ये दो चीज याद रखना। बहुत ही सिंपल है। लेट पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या मान लोगे? डिफरेंशिएटिंग यू विल गेट डॉटर ऑफ पी इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स डीएक्स, क्या मिल जाएगा? ठीक। अब आप देखो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आपका बन जाएगा, इसका नाम क्या रखा है? पी। और इसका नाम क्या रखेंगे? एफ प्राइम ऑफ एक्स डीएक्स किसके इक्वल? डीपी के इक्वल। तो ये हो जाएगा पी डीपी और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा पी स्क्वायर बाय टू प्लस कॉन्स्टेंट। समझ गए? तो इसका क्या मतलब है? अब ये फॉर्म बन के तैयार हो गया, एफ ऑफ एक्स फंक्शन इंटू उसका डेरिवेटिव इंटू डीएक्स इज इक्वल टू उसी फंक्शन का स्क्वायर बाय टू प्लस सी। पी के बदले एफ ऑफ एक्स रखेंगे ना जी। अब इस पर छोटे छोटे दो चार क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन वन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अब यहां देखिए, पहली नजर आपकी पापा पे, पी मान लीजिए साइन एक्स। अगर आप साइन एक्स मान लेते हो तो डॉटर ऑफ पी हो जाएगा कॉस एक्स डीएक्स, डीपी। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी और कॉस एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डीपी, बनेगा पी स्क्वायर बाय टू। अब पी स्क्वायर बाय टू का मतलब है साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। एक और क्वेश्चन लो, आई इज इक्वल टू, कल को अगर मैं कहूं ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स बाय एक्स डी एक्स, तो जरा ध्यान से देखना डेरिवेटिव कौन है और फंक्शन कौन है। कौन फंक्शन है? लॉग एक्स फंक्शन है और वन बाय एक्स डेरिवेटिव है। फॉर्मूला नहीं याद रहा तो ये सब चीज दिमाग में क्लिक ही नहीं होगा, इसलिए फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो इसमें आप मान लीजिए लॉग एक्स को पी मान लीजिए, लॉग एक्स को आप पी मान लीजिए और डी पी इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाय एक्स डी एक्स। तो वन बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी पी हो गया और ये पी बन गया। तो इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी पी यानी पी स्क्वायर बाय टू यानी लॉग स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस सी। समझ पाए? ओके। क्वेश्चन थ्री, कल को कोई व्यक्ति कॉस ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स दे दे इंटीग्रेशन करने, तो आप क्या मानेंगे? ई टू दी पावर एक्स को ई टू दी पावर एक्स को पी मानेंगे। ओके, तो आप मानो ई टू दी पावर एक्स को पी मानोगे तो डी पी इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स डी पी। तो ई टू दी पावर एक्स डी पी क्या, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स क्या कहलाएगा? ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी पी हो जाएगा। और क्वेश्चन थ्री, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू बन जाएगा आपका कॉस पी डी पी और कॉस पी डी पी का इंटीग्रेशन साइन पी प्लस सी अर्थात साइन ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। बात समझे? आपकी पहली नजर किस पे? फंक्शन पे। और दूसरी नजर किस पे? पापा पे पहली नजर की बेटी पे पहली नजर? पापा पे। बहुत अच्छे, सुधरे हुए बच्चे हो आप लोग। नजर तो ऐसे कायदे से बेटी पे जाती है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ले लो आप टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डीएक्स। पहचानो कौन फंक्शन है कौन डेरिवेटिव। तो मान लो कि p इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x है तो dp इज इक्वल टू वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ x dx। टेन इनवर्स ऑफ x को तो हमने p बोल दिया और dx बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर को हम dp बोल देंगे।
तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर बाय 2 है प्लस सी। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ये माइनस वन या माइनस टू 10x/2 ऐसा मैं लिख सकता हूँ? ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सिंबल, ये डिजाइन है 10 इनवर्स ऑफ x का, 10 इनवर्स ऑफ x का डिजाइन है। इसका मतलब कतई नहीं कि 1/10x है वो। क्वेश्चन 5, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आई इज इक्वल टू अपना क्या ले ले, चलो sec इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको p मानेंगे और ये dx बाय x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dp हो जाएगा, और p dp का इंटीग्रेशन p² / 2। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर, sec इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर बाय 2 प्लस c। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए यहाँ साइन क्यूब ऑफ एक्स इंटू कॉस क्यू ऑफ एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। साइन क्यूब ऑफ एक्स इंटू कॉस क्यूब ऑफ एक्स, कॉस क्यूब का मतलब है 3 बार कॉस है, कितने बार? 3 बार। एक बार कॉस यूज कर लेंगे, साइन एक्स को पी पुट कर लेते हैं, साइन एक्स को पी पुट कर लेंगे, डीपी इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स। आई की तरफ नजर डालो, साइन क्यूब का मतलब है पी क्यूब, क्या मतलब है? और कॉस क्यूब का मतलब है कॉस स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, और कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - sin² तो मतलब 1 - p² चौंक गए क्या? और इंटू क्या बचेगा, कॉस एक्स डी एक्स, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डी पी। तो अगले ही पाली से लिख देंगे पी क्यूब माइनस पी का पावर 5 डी पी, और इंटीग्रेट करने के बाद p का पावर 4/4 होगा, p क्या है sin x, तो sin का पावर 4x/4, अब प्लस इसमें होगा p का पावर 6, मतलब sin का पावर 6x/6 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कहा? अच्छा वहां माइनस था ना, यहां भी माइनस ही आएगा। चलो क्वेश्चन कौन सा था ये, 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 एक ये यहाँ दे देते हैं। कल को कोई बोल दे ऐसे, मतलब कोई बोल दे कि भाई 10 का पावर 7x है और इंटू sec स्क्वायर x है, क्या करोगे? ऑफ कोर्स 10x को p पुट करोगे, p इक्वल टू कितना हो जाएगा 10x, तो dp इक्वल टू कितना sec स्क्वायर x dx। तो अगले ही पल ये p बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, dp बन जाएगा, और p dp का इंटीग्रेशन, ये p नहीं बनेगा, p का पावर 7 dp बनेगा, और ये क्या होता है, p का पावर 8/8 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, p मतलब 10 का पावर 8/x/8 प्लस c। लिखो, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें फंक्शन एंड डेरिवेटिव दोनों दिखाई दे तब ये अप्लाई करते हैं।